हेलो एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। होती कोई सीमा नहीं होती, तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ बहुत ही प्यारा सा डिजाइन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डिजाइन लाऊंगी जिसे आप लोग सीख सके अच्छे से। अगर आप लोगों को और भी अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। मैं मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स भी करवाती हूँ, फुल कोर्स करवाती हूँ। तो मेरे ऑनलाइन कोर्स में जुड़ने के लिए आप लोग मुझे कॉल करिए 8010001870 पे, और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlatamr03@gmail.com पे। तो देर किस बात की है, फटाफट फोन उठाइए और मुझे कॉल करिए और जुड़ जाइए ऑनलाइन कोर्स में और मिथिला पेंटिंग में मास्टर बन जाइए। मेरे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छा सीख चुके हैं मेरे से और मिथिला पेंटिंग में वो ऑर्डर ले रहे हैं और पेंटिंग्स बना के अर्न कर रहे हैं। आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं पेंटिंग से जुड़े हुए वर्क के लिए, तो आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8010001870। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट के पेंटिंग्स जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा बना रहे हैं। देखा आपने, बहुत ही प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से पेंटिंग्स बना रहे हैं ये लोग। अगर आपको भी इसी तरह बनाना है तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में और मुझे कॉल करिए 8010001870 पे। तो चलिए आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को ये छोटे से साइज पे पेंटिंग्स दिखा रही हूँ। इसका साइज जो है हमारा वो 5x5 इंच की है और सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल के हमने इसमें स्क्वायर शेप बनाना है। ये देखिए, जैसे कि मैं स्क्वायर शेप बना रही हूँ। आप जब भी स्केचिंग के लिए ब्रश यूज़ करिए, हमेशा पतला ब्रश यूज़ करिए जिससे कि आपकी स्केचिंग जो है अच्छी आए, लाइन अच्छी आए। अब इसको हम डबल लाइन कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से जो है हम डबल लाइन कर लेंगे। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा गैपिंग लेके हम फिर से स्क्वायर शेप ले रहे हैं। ये देखिए, इस टाइप से हम स्क्वायर शेप ले रहे हैं। आप लोगों को सीखने में कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, इसको भी हम डबल लाइन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को और भी अच्छे से हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ सीखना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ऑनलाइन कोर्स को। ये देखिए, चारों कॉर्नर पे हम ये जो है मैं ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सर्कल डाल लेंगे इस टाइप से, और जो सर्कल के अलावा जो हमारा स्पेस बचा हुआ है, वाइट स्पेस दिख रहा है, उसको हमने ब्लैक कलर से फिल कर देना है। ये देखिए, अब इसके अंदर हम बर्ड बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप भी यही बर्ड बनाइए, आपको और कोई सा भी बर्ड बना सकते हैं, नो इश्यू। और ये देखिए, इस टाइप से हम कर लेंगे। आप लोगों को और भी अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। मैं मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन फुल कोर्स करवाती हूँ और सर्टिफिकेट भी देती हूँ, तो देर किस बात की, और फी जो है बहुत ही नॉमिनल है, तो देर किस बात की है, जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। ये देखिए, इस टाइप से हमने खाली स्पेस में लीफ डाल लिए और बर्ड का अब हम आइज बना देंगे। और ये देखिए, हमने कोई सा भी बनाते हैं, हमने डेकोरेशन ज़रूर करना है। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे हम, ये देखिए, इस टाइप से करके और इधर से भी लेके इसको हमने सर्कल वे में लेना है। ऊपर हमने ऐसे सर्कल बनाने हैं, तो चारों एंगल पर हम इस टाइप से हम कर लेंगे, चारों साइड हम इस टाइप से हम कर लेंगे। ये देखिए, अब इसी में हमारा बहुत ही प्यारा डिजाइन बनने वाला है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, जुड़े रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए।
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और ये देखिए हम इधर से लेंगे, फिर इधर से राउंड करते हुए, फिर इधर से हम ये देखिए इस टाइप से हमने बनाना है। बिल्कुल पास पास लाइन लीजिए ताकि देखने में बहुत ही प्यारा लगे और बहुत ही बारीक वर्क होने वाला है। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये देखिए इस टाइप से हम ऐसे, जैसे जैसे हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होता जाएगा बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये डिजाइन। तो देर किस बात की है, आप भी बनाइए इसको और अपने घर को सजाइए, बहुत ही प्यारा डिजाइन बनने वाला है ये। तो आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 8010001870 पे, और मिथिला पेंटिंग और भी डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ सीखिए। ये देखिए लग रहा है ना प्यारा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग अच्छे से सीख पाए। ये देखिए अब ऐसे ही हमने क्या करना है, जैसे हमने इसको किया है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए इस टाइप से चारों तरफ हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरफ जो है ये इस टाइप से करेंगे। ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे हमने ऐसे करना है जैसे हमने उस तरफ किया था। अब इसको भी ऐसे ही राउंड लेते हुए हमने ऐसे करना है। ये देखिए आप लोग मुझे किसी भी आर्ट वर्क के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी आप लोग मुझे कॉल करिए 8010001870 पे, और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पर। पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और आप लोग के जो भी क्वेश्चंस या क्वेरी हो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट, उसके लिए भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8010001870 पे। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन लगने वाला है ये। ये देखिए इस टाइप से हम दोनों तरफ कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से हमारा जहाँ तक स्पेस रहेगा वहाँ तक हम इसको कर लेंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ भी दोनों हर मतलब जितने भी दो दो है ना दोनों के बीच हमने कॉर्नर पे इसको करना है। ये देखिए इस टाइप से हम हमेशा जो है ऑथेंटिक तरीका अपनाइए। आपने लोगों ने मार्केट में बहुत देखा होगा कितने लोग पेन से करते हैं, स्केच से करते हैं, लेकिन ऑथेंटिक तरीका हमारा यही है नीव एंड कलर। ये देखिए हमने ये देखिए अभी इतना बनाया है तो कितना प्यारा लग रहा है डिजाइन। तो अभी हम इसको बर्ड को हम डेकोरेट करेंगे। ये देखिए आप चाहें तो किसी भी डिजाइन से डेकोरेट कर सकते हैं, कचनी के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। और इस पर मैं कलर नहीं कर रही हूँ, कचनी स्टाइल ही कर रही हूँ। तो ये देखिए आप लोग बहुत बारी मैं सुनती हूँ कि मैम कचनी को बिल्कुल पास से दिखाइए कचनी पैटर्न को, तो वही चीज़ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को डिटेल से। ये देखिए इस टाइप से हमने करना है इसको। ये देखिए इस टाइप से हमने करना है पूरे में। और ये आप अगर गोलाई में लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा डिजाइन बनता है, यही आप इसको अगर वाइड कर देते हैं, फैला देते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा मैं चाहूँगी कि आप लोग जब इस डिजाइन को इस पैटर्न को ड्रॉ करते हैं बिल्कुल गोलाई में करिए, सेमी सर्कल, ठीक है, तो बहुत ही प्यारा लगता है ये डिजाइन। ये देखिए इस टाइप से हम इसको जो है कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें हमने कचनी कर दिया, सिंपल कचनी कर रहे हैं इसमें हम, कोई वो नहीं। और जब भी हम कचनी स्टाइल करते हैं ये देखिए अब हमारा बैकग्राउंड जो बच गया है ना उसमें हम ये छोटा छोटा यू कर रहे हैं ताकि ये डिजाइन हमारा, ये जो हमारा बैकग्राउंड में स्पेस बचा हुआ है इसको हम कंप्लीट कर लें। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये डिजाइन। जैसे जैसे ये कवर होगा स्पेस हमारा बहुत ही प्यारा लगेगा डिजाइन। ये देखिए इस टाइप से हम कर लेते हैं। ये देखिए
देखिए बहुत ही प्यारा लगने वाला है डिजाइन। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। निब से आप कोई सा भी डिजाइन ड्रॉ पैटर्न जो हो आप इजीली कर सकते हैं, बशर्ते आपका कलर जो है, कलर की जो मिक्सिंग है वो आप सही कर रखे हो तो ठीक है। तो ये देखिए हम इसको कितनी इजीली कर रहे हैं और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये करने में। ये देखिए इस टाइप से कर सकते हैं। अभी मेरे 4 बैचेस जो है रनिंग में है, एक बैच जो है अभी इसी मंथ शुरू हुआ है। अगर आप लोगों को एनरोलमेंट करवानी है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे, और अच्छे से मिथिला पेंटिंग सीखिए। नंबर 1 आर्ट, फोक आर्ट में नंबर 1 पे अभी मिथिला पेंटिंग है, और मैं चाहूँगी कि ये आप सभी लोग सीखिए। आर्ट जो है वो बहुत ही पीसफुल माइंड को कर देता है, आपको टेंशन फ्री कर देता है अगर आप किसी भी आर्ट वर्क को करते हैं तो। ये देखिए इस स्टेप से हमारा जो है ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, अभी हमने और इसमें वर्क करना है। अब हम बैकग्राउंड को, ये जो हमारा आउटलाइन है जो हमने बॉर्डर बना रखा है उसको हम उसमें हम सिंपल कचनी डाल रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे, बस सिंपल कचनी डाल रहे हैं। ये देखिए इस स्टेप से हम डाल देंगे। अब इस पत्ते को भी हम कचनी कर देंगे इस स्टेप से। ये देखिए इस स्टेप से पत्ता कचनी हो गया हमारा, अभी कितना प्यारा लग रहा है, ब्लैक भी है तभी भी। अब हम रेड कलर लेंगे और रेड कलर से जो भी वर्क बचा हुआ है अब हमारा उसमें हम रेड कलर डाल देंगे। ये देखिए इसमें हम सिंपल कचनी कर रहे हैं। ये देखिए इस स्टेप से हम कर लेते हैं और ये तैयार होकर बहुत ही प्यारा लगने वाला है। आप लोगों को ये पेंटिंग कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी सीख पाएँ। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स करना है तो आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए। ये देखिए इस स्टेप से इसमें भी हम, अगर आप लोग कलर करना चाहते हैं तो इसके अंदर जहाँ जहाँ पे मैंने रेड कलर से कचनी किया है वहाँ पे आप लोग कोई और कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए इस स्टेप से ऐसे ही आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए इस स्टेप से हमारी पेंटिंग जो है तैयार हो जाती है, बहुत ही प्यारा लग रहा है डिजाइन देखने में, है ना। और हम ये जो हमारा सर्कल जो बचा हुआ है ना, इस सर्कल में हम रेड कलर से डॉट डाल देंगे, बस एक एक बिंदी लगानी है हमने। ये फाइनल है हमारा। ये देखिए इस स्टेप से हम इसको कर लेंगे, इस स्टेप से हम कर लेंगे। और ये अब ये देखिए अब हमारी पेंटिंग तैयार है। अब थोड़ा सा इसके सर के ऊपर हम कलगी बनाएंगे रेड कलर से। ये देखिए इस स्टेप से धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे इसको, बड़ा कर देंगे फिर छोटा इस स्टेप से। अब ये हमारी पेंटिंग जाके पूरा कंप्लीट हुआ है। तो ये देखिए लग रहा है ना प्यारा, अगर आप लोगों को भी प्यारा लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही सीखते रहिए और देखते रहिए वीडियो।